हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है। सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलीनोमियल फ्रॉम फर्स्ट पॉलीनोमियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना था, दोनों पॉलीनोमियल्स को ऐड करना था, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, सेकंड पॉलीनोमियल फर्स्ट पॉलीनोमियल से सब्ट्रैक्ट करनी है, इट मीन माइनस करनी है। तो देखिए, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करनी है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल राइट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस रूट थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस रूट थ्री। याद रखिए, मैंने लास्ट टाइम जब एडिशन कर रहे थे तब भी मैंने बोला था आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको दोनों भी पॉलिनोमियल ब्रैकेट में पुट करनी है। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमने ब्रैकेट में पुट की, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए सब्ट्रैक्शन का साइन, एंड देन सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है वो, माइनस नाइनटीन एक्स प्लस रूट थ्री प्लस सेवन एक्स स्क्वेर। ओके, अब इनको ब्रैकेट के बाहर निकालना है। देखिए, एक्स स्क्वेर माइनस नाइन एक्स प्लस रूट थ्री, इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है तो ये एज इट इज बाहर निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस रूट थ्री। पर जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसके ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। पर ये कब होता है, जब ओनली ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तब। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ये एज इट इज वैसे ही बाहर निकलेंगे, प्लस साइन जब होगा ब्रैकेट के बाहर तब इनके साइन चेंज नहीं होंगे। नाउ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो चलिए सबके साइन चेंज करते हैं, 19x माइनस है तो जब बाहर निकलेगा तब प्लस 19x होगा, रूट थ्री प्लस है तो बाहर निकलेगा तब माइनस रूट थ्री होगा, 7x स्क्वायर उसका भी साइन पॉजिटिव है, जब बाहर निकलेगा तब वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अगेन हमें क्या करना है, सेम पावर्स वाले जो नंबर्स है, डिजिट्स है, उनको एक साथ राइट करना है। देखिए, सेम पावर x स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, माइनस 7x स्क्वायर। पावर 2 के बाद होती है पावर 1, पावर 1 वाले टर्म्स कौन से हैं, माइनस नाइन एक्स प्लस नाइनटीन एक्स, माइनस नाइन एक्स प्लस नाइनटीन एक्स, एंड पावर वन के बाद होते हैं कॉन्स्टेंट नंबर्स जो है प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री। ओके, देखिए ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, ये सेम सेम है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं के साथ किया जाता है जिनके वेरिएबल सेम हो। यहाँ पे दोनों का वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों का एक्स है। चलिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब वन, एंड एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सेवन। देखिए, प्लस वन एंड माइनस सेवन ऐसे इनके कोएफिशिएंट है, ऑपोजिट साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए, साइंस ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेवन माइनस वन क्या होगा, सिक्स, एक्स स्क्वायर उनका कॉमन वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा। पर सेवन माइनस वन हमने सिक्स तो किया है, पर आंसर को साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर है सेवन, उसका साइन है नेगेटिव, सो देयरफॉर इट इज माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, माइनस नाइन एक्स प्लस नाइनटीन एक्स। देखिए अगेन, यहाँ पे भी माइनस एंड प्लस ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 19 माइनस 9 क्या होगा, 10, दोनों का कॉमन वेरिएबल x, पर आंसर को साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर कौन है, 19, उसका साइन क्या है, प्लस, सो हियर इट इज प्लस, एंड यहाँ पे रूट थ्री माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री में से अगर रूट थ्री आप माइनस करोगे तो बचेगा क्या, ओनली जीरो, राइट। सो एक्चुअली हमें आंसर ये मिला है, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स,
तो देखिए ये रहा सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू गिवन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट इज 2a² प्लस 3a² बी माइनस 4ab, ये एक फर्स्ट पॉलिनोमियल है। सेकेंड पॉलिनोमियल है 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a² बी, सेकेंड पॉलिनोमियल है। हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में से सेकेंड पॉलिनोमियल माइनस कीजिए। चलिए फिर दोनों पॉलिनोमियल्स ब्रैकेट में पहले पुट कीजिए, 2a² बी प्लस 3a² 2ab² 3a² बी एंड माइनस 4ab। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल कंप्लीट होने के बाद हमने माइनस का साइन दिया, देन ब्रैकेट में सेकेंड पॉलिनोमियल जो कि है 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a² बी। ओके, अब नेक्स्ट इनको ब्रैकेट के बाहर निकालना है, 2ab² ये एज इट इज बाहर निकलेंगे बिकॉज ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। ओके, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए ये एज इट इज आएंगे, प्लस 3a² बी माइनस 4ab। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाले जितने टर्म्स है उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। 3ab ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं है इसके पहले, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है जब बाहर निकलेगा तब नेगेटिव हो जाएगा इसलिए माइनस 3ab। 8ab² माइनस है, जब बाहर निकलेगा तब प्लस हो जाएगा 8ab². 2a² भी प्लस है, जब बाहर निकलेगा तब माइनस हो जाएगा। ओके, अगेन क्या करेंगे हम लोग, सेम कोएफिशिएंट सॉरी सेम वेरिएबल्स वाले टर्म्स पहले राइट करेंगे। देखिए पहले a² वाले राइट करते हैं जो है 3a² बी और दूसरा है a² वाला माइनस 2a² बी। ओके, देन b² वाले हैं 3a² बी प्लस 3a² प्लस 2ab² b² वाले प्लस 2ab² एंड प्लस 8ab². ओके, एंड देन सिर्फ पावर 1 वाले जो है माइनस 4ab एंड माइनस 3ab। देखिए इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, a² b। देखिए a² b के साथ अगर आप ab² ऐड करोगे तो ऐड नहीं होगा, a का स्क्वायर है तो दोनों के पास a का ही स्क्वायर होना जरूरी है, b की पावर 1 होगी। यहाँ पे दोनों के पास b का स्क्वायर होना जरूरी है, a की पावर 1 होगी। इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, सॉरी इन दोनों के सेम है एंड इन दोनों के सेम है। ओके, चलिए बहुत कॉमन सी थिंग है, 3a² माइनस 2a² बी, 3 के पहले साइन नहीं है मतलब वो प्लस है। ओके, तो प्लस 3 माइनस 2 ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 माइनस 1 क्या होगा 1, राइट 1 a² बी। अनादर थिंग, आंसर को साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर का, जो कि हमारा ग्रेटर नंबर है 3, उसका साइन है पॉजिटिव इसलिए 1a² b पॉजिटिव रहेगा। 2ab² प्लस 8ab² दोनों भी प्लस है, साइन सेम है, एडिशन कर दीजिए, 8 प्लस 2 10। अब देखिए दोनों प्लस है तो आंसर भी प्लस ही रहेगा, 10ab². नेक्स्ट माइनस 4ab माइनस 3ab दोनों भी माइनस है, साइन सेम है, एडिशन कर दीजिए, 4 प्लस 3 7, दोनों माइनस है तो आंसर भी माइनस हो जाएगा, माइनस 7ab। तो ये रहा सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।